नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज ने लगातार बीजेपी के खिलाफ विद्रोह और ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ दिन में या चंद दिनों में या ये कहूँ एक दो दिन में पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के बाद अब राजपूत समाज के नेताओं ने अपने एकजुट करने के लिए, समाज को, अपने पूरे लोगों को एकजुट करने के लिए दूसरे चरण में भी चढ़ाई तेज कर दी है बीजेपी के खिलाफ। आज हापुड़ के धौलाना में क्षत्रिय समाज ने स्वाभिमान को लेकर महापंचायत की, जिसमें दूसरे चरण की जो प्लानिंग थी, रणनीति थी, वो नजर आई। और दूसरे चरण में मैं आपसे कहूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, पहले चरण में जो आक्रोश था या ये कहूँ जन आक्रोश था, उससे डबल एनर्जी थी दूसरे चरण में। यानी कि इन लोगों का कहना है कि यूपी की अगर बात करूँ तो पश्चिम से ये पूर्वांचल की तरफ जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लोग भी कूच करने लगे हैं, ताकि किस हर हाल में बीजेपी का जो विजय रथ है या जो बीजेपी के जो समीकरण है वो सारे बदल दिए जाएं। या ये कहूं कि इन लोगों का कहना है कि सारी लड़ाई मोदी और शाह से, यानी कि ये मोदी का जो विजय रथ है 400 पार वाला और यूपी में 80 वाला, उसे रोकने के लिए इन्होंने जो लड़ाई है वो तेज कर दी है। पहले चरण में खेड़ा की महापंचायत में ऐलान हो गया, वहां अपने पत्ते खोल दिए अपने। अब दूसरे चरण को लोगों ने चढ़ाई कर दी है, आपके भाषण, आपके बयान और ज्यादा तल्ख हो गए। तो क्या लग रहा है इस बार कि पहले चरण में जो समीकरण बिगाड़े दूसरे चरण में, क्योंकि ये जो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये तो बीजेपी का पूरा रहा है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी का ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। ये भी हिस्सा भारत में ही आवे और ये हिस्सा भी भारत का है। भारत के लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देते, पहले ये सबको समझ लेना चाहिए। ये मोदी जी को भी समझ लेना चाहिए कि भारत के लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देते। भारत के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देते। और जब भी कभी इन्हें ऐसा लगा कि लोकतंत्र अब कमजोर हो रहा, तो ये हमेशा आवाज उठाना, ये कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस ने 57 साल शासन करा, कांग्रेस नहीं बदली क्या? चौधरी चरण सिंह हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर जी हो, भी सरकारें तो उन्होंने भी चलाई ना, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या है कि वो ये समझ के बैठ गए कि भाई सारी उम्र हमें ही रहना ही, ये भारत रहेगा, भारत का लोकतंत्र रहेगा, पार्टी और नेता हमें चले जाए। आप 400 पार को लेकर बड़ा तंज कस रहे थे अभी मंच पर, नहीं मैं ये पेपर लीक से जोड़ रहे थे कुछ। मैं ये कह रहा था कि किसी चुने हुए प्रधानमंत्री को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि 400 पार। क्यों भाई, आप ये कहते भारत की जनता से कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए मुझे ऐसे 400 पुजारी दो जो आपके लिए हमन करें, आपके लिए यज्ञ करें, आपके लिए दुआ करें, आपके लिए प्रार्थना करें, आपका विकास करें। मुझे ऐसे 400 पुजारी उस लोकतंत्र के मंदिर के लिए चाहिए, तो शायद हम विचार करते। ये घर बैठ के ये कह देना 400 पार, तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे भाई आप? 400 लोगों को चुनकर बैठा दो, बात खत्म। ये जो तानाशाही है और एक होल्डिंग पर अपना फोटो लगा के आप कहेंगे अंतरिक्ष में भी मैं गया था, चांद पे भी मैं गया था, मैं कह रहा है फिर सूरज पे चला जा, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़े। तो ये तंज का जो सिलसिला है वो ज्यादातर बढ़ता ही जा रहा है। एक सवाल और मेरा ये है, आप लोगों का, मैं पूरे राजपूत समाज की जो पंचायत हुई उनमें वो कवर की है, मोदी शाह इनके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखे, बाबा को बक्स रखा है आपने, तो क्या बाबा की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी या बाबा को लेकर आपको कुछ लग रहा है खतरा कि बाबा के खिलाफ भी कुछ होने वाला है या पार्टी में कुछ चल रहा है? तो पहले तो आप ये समझ लें अच्छे तरीके से, मैं बार बार यही कह रहा कि ये ना मोदी के खिलाफ है, ना अमित शाह के खिलाफ है, ना भाजपा के खिलाफ है, ये देश भारत है और भारत को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमेशा लड़ाई लड़ी। आज भी हमारे भाई सीमा पे इस देश की रखवाली कर रहे, खेत में हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान भाई इस देश के लिए अन्न पैदा कर रहे। ये देश भाजपा का नहीं है, ये देश मोदी का नहीं है, ये देश अमित शाह का नहीं है, ये देश योगी जी का नहीं है, ये देश भारत है और इस भारत में रहने वाली 36 बिरादरियों का देश है। ये किसी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी का देश नहीं है। इस देश का नाम भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, इस देश का नाम भारत है और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति वोट से इस देश में सरकारें चुने, प्रधानमंत्री नहीं चुनता, सरकारें चुनता है, वो सांसद चुनते हैं। और वो सांसद जब माँ बहनों को गाली देंगे, वो महापुरुषों का अपमान करेंगे, तो फिर चुप बैठ जाओ। अब तक तो राजपूत समाज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर ही खफा था, नाराज था, लेकिन अभी गौतम बुद्ध नगर से सांसद है मौजूदा, आपने नाम सुना है, सुना ही होगा, उनका बयान नहीं सुना होगा शायद, महेश शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि जो मोदी योगी के खिलाफ वोट देगा वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस तरह की बातें कर रहा है वो देशद्रोही है।
सांसद महेश शर्मा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि महेश शर्मा शायद सन 2014 में सांसद बने हुए हैं, उससे पहले इसका मतलब वो अपने बाप का नहीं था, वो किसी और के बाप का, क्योंकि 14 से पहले तो बीजेपी थी नहीं, तो उसने भी किसी ना किसी और को वोट दी होगी, क्योंकि उस टाइम में मोदी योगी भी नहीं थे, तो इसका मतलब वो पहले किसी और का है, तो भारत पर आरोप लगा हुआ भाई ऐसा। कुछ लोग अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, वो ये कह रहे हैं वो डर तो नहीं गए, दूसरे चरण में उनकी सीट आ रही है तो राजपूत समाज पहले चरण के बाद अब उन्होंने जो अपनी गाड़ी है उसका स्टेयरिंग दूसरे चरण की तरफ मोड़ दिया है, तो ये कहीं बौखलाहट तो नहीं है? देखो पहली बात तो इस देश में एक बहुत गलत परंपरा पड़ी, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी सांसद बना है, बनने के बाद जब वो बैठे हैं लोग उसके पास जाएं तो बताओ वो क्या कहें कि भाई मुझे थोड़ी दी आपने वोट, तो आपने तो मोदी को दी। तो ये एक बहुत गलत परंपरा इस देश में होगी। जब सांसद प्रतिनिधि को चुनेगी तो जनता, और कहेगा वो ये कि तुमने मोदी को वोट दी, तो ये तानाशाही है, और तानाशाही में भारत के लोगों को नहीं रहना चाहिए। भारत के लोगों का धर्म है, भारत के लोगों की परंपरा रही कि वो हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करते रहे, देश को मजबूत करते रहे। ये मोदी का देश नहीं है, ये देश 36 बिरादरी का है, सब धर्मों का है, यहाँ सब धर्मों का बहुत प्यार से रहना सहना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस देश में ऐसी परंपराएं ना शुरू करें कि इस बार मोदी सरकार, इसे देश स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार भारत सरकार, इस बार लोकतंत्र की सरकार, इस बार जनता की सरकार कहें तो लगेगा, लेकिन मोदी सरकार कहें ये नहीं चल सकता। और एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अपने दिमाग में से निकालते या जो भी चुनेगी सरकार वो निकाल दे, ये लोकतंत्र है, ये भारत है, सरकार बनने के बाद भी युद्ध जारी रहेगा यदि इन परंपराओं पर अंकुश नहीं लगा। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अब की जो योजना है वो तो सब मोदी सरकार, मोदी का डंका बज गया, पूरा चुनाव तो बीजेपी मोदी के नाम पर लड़ रही है, और अक्सर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कमल का फूल नहीं, हमारे लिए तो भाई मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है, मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। जैसे अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में हुआ, शिवराज सिंह चौहान हटा दिए गए, तो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़कर उन्हें तो भाई जीत मिल रही है, एक है जनता पसंद कर रही है, और आप कह रहे हैं मोदी के नाम पर नहीं होना चाहिए। नहीं मेरा, मैं वही तो कहना चाह रहा ना कि जो सांसद अपने दिमाग में ये बात लगा के बैठ गए कि मुझे तो मोदी के नाम पे वोट मिली, वो जनता का काम क्यों करेंगे, क्यों करेंगे जनता का काम? अगर उनके पास लोग जाएंगे वो ये कहेंगे कि तुमने तो मोदी को वोट दी, तो सब तो मोदी के पास जा नहीं सकते, चुनाव प्रतिनिधि मान नहीं रहा, तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो रही कि नहीं हो रही मुझे बताओ भाई। एक आदमी ये कहने लगे, मेरे गाँव का एक डॉक्टर मुझे ये कहने लगा कि साहब मैंने तो वहाँ से सीखी, पूना से डॉक्टरी, आप मैं तो पूना वाला डॉक्टर दवा बताओगा जब तुम्हें, इतना मैं मर लूँगा, क्योंकि मैं पूना जा नहीं सकता, मोदी के पास लोग जा नहीं सकते, वो यहाँ का चुना है सांसद, उन्हें काम करेगा नहीं तो फिर तो लोकतंत्र मरेगा। तो मोदी के नाम पर चुनाव ना होवे, लोकतंत्र के नाम पर चुनाव। भाई साहब अभी भाषण दिया है भाई भैया ने, और थोड़ा हमसे भी बात किया, एक किला पहले इनको दीजिए, थोड़ी एनर्जी आएगी, तब तक मैं इन भाई साहब से सवाल ले लेता हूँ। राजस्थान के रण में इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है, क्या लग रहा है राजपूत समाज? मिशन 25 जो है, जो 2014 में भी पूरा हुआ बीजेपी का, 2019 में भी, तो मिशन 25 को रोक पाएगा? देखो 2025 का जो मिशन इनका पहले था, 2014-19 में उसमें उन्होंने मुद्दे रखे, विकास के मुद्दे रखे, देश के मुद्दे रखे, इस बार तो मुद्दे नहीं है, मुद्दा सिर्फ मोदी सरकार है, तो बीजेपी कहाँ गई? आज राजस्थान में बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार है। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार है। वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार बनाई हमने, देश के लोगों ने मोदी से ये बीजेपी बनाई है। तो बीजेपी के आप जिस संगठन इतना बड़ा है, उस संगठन को ये खा गए एक जने दो जने, पुराने कौन कौन है, कौन कौन खा गए भाई? मोदी खा गई, मोदी सरकार खा गई, मोदी सरकार ही भाजपा को खा रही है अंदर से। तो ये खुद के जहाँ खुद के संगठन के सगे नहीं है, खुद के लोगों के सगे नहीं है, ये वाजपेयी जी के सगे नहीं है, आडवाणी जी के सगे नहीं, वसुंधरा जी ने राजस्थान सींचा उनके सगे नहीं, शिवराज सिंह जी ने बीजेपी को वहाँ से वहाँ सींचा मध्य प्रदेश में, वहाँ इनके सगे नहीं है, तो ये अपनों के सगे नहीं है, तो देश के कब सगे होंगे, हमारे कब सगे होंगे? अब अगर मैं पश्चिम की लड़ाई की बात करूं तो 60-84 से जो मैसेज जाता है, माना जाता है कि वो पूरे पश्चिम में प्रभाव डालता है, तो आप कौन से गाँव के हैं भाई साहब? खटाना गाँव है मेरा, इसी तो आपकी बीजेपी से इतनी खटास क्यों पड़ गई? आप मंच पर बड़ा गरज रहे थे, बता दीजिए। देखिए क्षत्रियों को इस बीजेपी के झंडे तले लाने का काम किया स्वर्गीय बनेल गांव हमारा पड़ता है रज्जू भैया जी ने,
और रज्जू भैया जी ने बहुत बड़े जमींदार थे अपनी सारी संपत्ति और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे अपने सारी जीवन की कमाई आरएसएस को समर्पित की। जब वो आरएसएस के चीफ बने तो उन्होंने सारे क्षत्रिय समाज को कहा पूरे देश में जाकर कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले इकट्ठा हो जाए, यहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा, आपके हितों की सुरक्षा होगी और जो सबसे बड़ा हमारा संकल्प है राष्ट्र निर्माण का वो हम पूरा करेंगे मिलकर। और उस जमाने में बहुत सारी पार्टियां बीजेपी को अछूत मानती थी, बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होना चाहती थी। उन सारे नेताओं से बात की रज्जू भैया जी ने कि बीजेपी इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझते, थोड़ी बहुत कहीं विचारों में भिन्नता है लेकिन आप आइए हमारे साथ, सब मिलकर एक एजेंडा तय करेंगे, कांग्रेस को हटाएंगे, इसके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और एक नए भारत का हम निर्माण करेंगे। आज रज्जू भैया जी को भुला दिया गया। रज्जू भैया, अच्छा ठीक है, रज्जू भैया की बात करें, नया भारत बन रहा है? नहीं, उनका तो सपना था भाई, उन्होंने अटल जी के साथ सारे दलों को जोड़ा, पहली बार भाजपा की सरकार बनी केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में। अकेले अटल जी थोड़ा ही थे, कम से कम 20-25 दल थे और दलों के, और वो सबको जोड़ा और उन्होंने अपनी सरकार चलाई अटल जी। लेकिन अटल जी के जाने के बाद जैसे ही मोदी जी का आगमन हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अब की बार भाजपा सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार। मुझे लगता है कि मोदी जी के पीछे कुछ लोग हैं जो पैसे वाले, वो पैसे के बल पर ही मोदी जी इस देश में हमारी पार्टी के नेता घोषित हुए, पैसे के बल पर ही अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के, और सारे के सारे हमारे, मुझे आपके राजनाथ सिंह ने ही नाम ऐलान किया था सर। अब मैं बहुत सारी तो पैसे का माइक पर नहीं, नहीं आपको बतानी चाहिए, आपका समाज, आप जिन्हें समझाना मैसेज देना चाहते हैं ये सारी बात बताइए, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ आप करें आप, लेकिन हमारी मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ज्यादा दुखी हैं आज की तारीख, लेकिन सत्ता की कौन से छिपके हुए, जिस दिन ये सत्ता हटेगी 50 साल लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को वापस। इन्होंने संगठन का तहस नहस कर दिया, शुरू से ये एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हो जाओ सब, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं। मोदी आप समझ रहे, जो राशन मिल रहा है छोटे 5 किलो का, उसके थैले पे भी मोदी की फोटो, कहीं शौचालय बन रहा है उस पर भी शौचालय पर फोटो, कहीं खाद का कट्टा है उस पर भी फोटो। अब इतने आप बार बार कितनी कोई अच्छी चीज हो उबकाई आ जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी। नहीं, कुछ लोग ये स्थिति हो रही है, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि भारत का नाम बदल के मोदी रख दें, कुछ लोग सुझाव दे रहे थे। अरे हो सकता है उनकी ये कोशिश है हिंदुस्तान का नाम। अब ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है कि 2024 में हमने क्या किया और 2029 में हम क्या करें, वो नहीं 2047 का एजेंडा बता रहे भैया, 3047 का बता दो, तुम तो हजारा मर हो भाई, हम तो चले जाएंगे। हाँ भाई, तुम तो भगवान राम कृष्ण और वो उनके बराबर, तो 3047 का एजेंडा बताओ भाई, 2047 तो 20-25 साल में आ जाएगा, एक मजाक हो रहा है। इसलिए हमने इस पार्टी को लात मारने का काम किया, और साथ में जब हमारे भाई हमारे संगठन के मोर है और ऐसे ऐसे लोग जब तन के खड़े हुए, अपने आप को गिलानी होने लगी, जब आप अपनी आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। मैंने 30 साल की मेहनत हमारी पार्टी में थी, लात मार दी हमने, खड़े हम तमाम के ठीक है। अभी आप अभी जैसे चुनाव है तो आपने सभी पार्टियों के घोषणा पत्र देखे होंगे, सबके ऐलान देखे होंगे, बीजेपी के भी, कांग्रेस ने भी 30 लाख भर्ती दे देंगे, गरीब महिलाओं को 1 लाख पेंशन, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश ने भी ऐसी की भाई लड़कियों की पढ़ाई फ्री ग्रेजुएशन तक, और तमाम सब ने अपने अपने जो घोषणा पत्र है, बीजेपी के घोषणा पत्र में आपको कुछ खास दिखा? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया कि ये तो भाई मुस्लिम वाला मामला है, और समाजवादी पार्टी को भी जोड़ दिया, तो बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ा हो तो आजकल अखबारों में भी सबसे पहला जो पेज होता है वहाँ भी उपलब्धियों का पेज होता है। आपको बता दूं मोदी जी की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात क्या है कि वो जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं वो सन 2024 का नहीं करते, वो 47 का कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, आप विचार करो भाई इसमें क्या अच्छा हो सके। अगर कल आप पूछ भी लोगे आपने ये नहीं करा तो वो कहेंगे मैंने 47 के लिए कहा था भाई, अब थोड़ी कहा था। तो उनकी क्या है कि जैसे उन्होंने कहा किसानों की आय 2 गुना होंगे, उनसे पूछा जी किसानों की आय 2 गुना हुई नहीं, उन्होंने कहा क्यों नहीं हुई, 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया भाई, तो आय 2 गुनी कैसे नहीं हुई, पैसे इतने ही है, माल घटा दिया,
750 किसान मर के बोला ये अच्छा ये उपलब्धि थोड़ी है कि मेरे दरवाजे में किसान आया और मैंने 750 किसान मार दिए, इससे उसके घर का खर्चा कम नहीं होगा, उनके घर का एक आदमी चला गया। तो मोदी जी पे आमदनी कम करने के बहुत फार्मूले हैं, और ये घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी करा ना वो बहुत बड़ी भूल में है। मैं फिर कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी भूल में है। यहाँ आदमी इतना होशियार है, भारत का आदमी इतना होशियार है कि वो 5 किलो अनाज इसलिए नहीं ले रहा कि मोदी को वोट देनी, वो 5 किलो अनाज इसलिए ले रहा कि अगर हमने ना लिया तो मोदी इसे भी किसी न किसी को बेच देगा। आप यहाँ पर सभी राजपूत समाज को अपने लोगों को वचन दिला रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। उधर मोदी जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं प्राण जाई पर वचन ना जाई, इस बार आऊंगा तो घोटालेबाजों पर भ्रष्टाचारियों पर और तेज कार्रवाई होगी, भारत को दुनिया का नंबर एक देश बना दूंगा। आप इधर दिला रहे हैं, उधर मोदी जी वचन दे रहे हैं कि प्राण जाई पर वचन ना जाई। इस बार चुनाव का ना ये नारा है प्राण जाए पर। आपने उनसे सीखा है या उन्होंने आपसे? तो आप खुद ही बता सके, वो मेरे से सीख रहे हैं कि मैं उनसे सीख रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बहुत साहब, ये देश, फिर मैं कह रहा हूँ, ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब प्रकार के, सब जातियों के, सब मजहबों के, सब शिकलों के, सारी भाषाओं के लोग रहे हैं और बड़े प्यार से रहे। अगर कभी भी जातिवाद का झगड़ा हुआ तो पार्टियों से हुआ, कभी किसी ने जातिवाद नहीं कहा इस देश में। तो मेरा आग्रह पार्टी वालों से है कि वो इस देश में जातिवाद ना फैलावे, वो इस देश को भारत रहने दे, इस देश को भाजपा ना बनावे, कांग्रेस ना। आप लोग बार बार पार्टियों पर इशारे, पार्टियों को लेकर सीधा हमलावर हो, लेकिन आप जितनी भी पंचायतों में जा रहे हो, जितनी भी रैली में जा रहे हो, जब सबसे ज्यादा आक्रामक रहते हो मोदी शाह पर, योगी जी को बख्श देते हो, ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा ना, देखो दो बात समझो आप पहले, कि योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, और ये चुनाव है सन 2024 का, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश में है, इस प्रदेश में है कि सुरक्षा के मामले में उन्होंने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया। हम ये कह रहे इसमें कोई दो रहे, लेकिन मैं इन्हू कह रहा कि 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी 400 किलो RDX का भी पता लगा लेते तो शायद मेरे हिसाब से आज भारत कहीं और अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करता। भूलता नहीं है मेरे भाई कोई, यहाँ अनपढ़ किसान भी गेहूं की बाड़ी देख के ये बता दे इसमें कितने दाने निकले। मैंने बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें था कि जब से मोदी सरकार है एक भी देश पर, एक भी किसी भी शहर में आतंकवादी हमला नहीं हुआ। उसमें था कि किसानों की आय दुगनी हो गई, उसमें 75,000 किसानों को लेकर एक रिपोर्ट भी छापी गई, हालांकि जब हम जैसे खोजी पत्रकार कुछ पहुंचे तो वो झूठी निकली, ऐसी तमाम बातें। तो उसके बावजूद भी 2014, 2017, 2019, 2022 चार चुनाव तो आपने खूब जिता दिए, तो पांचवें पे एकदम से ऐसी नाराजगी क्या हो गई? चार चुनाव में आंख नहीं खुली थी? अब आप लोग कह रहे हो कि बिल्कुल आ रहे, अब तो मोदी से बिल्कुल इतनी नाराजगी है कि अब तो छोड़ेंगे ही नहीं हम। देखो दो बात समझो आप भाई, दफा तो ऐसा हो जाए जैसे मान लो पंडित जी फेरों पर कसम दुआ गए, 7 फेरे भी ले गए ऐसा थोड़ी के पास लेते नहीं बाजी फेरी, ऐसा हो जाए भाई मान लो उम्मीद है भाई इसका बालक हो जाओ अगले साल, फिर भी आदमी ने सोचे चल भाई हो सके अगले साल हो जाए, मान लो बांझ निकल जाए भाई फिर क्या करे, मान लो तो सुनो तो मेरी बिल्कुल निखाली बांझ निकल गई तो दूसरा बिना कर रहे क्या हो तो दूसरा ब्याह किससे करने जा रहे हो? वो तो देखेंगे भाई आओगे कहीं से, कुछ तो बता दो। नहीं, वो सब देखने वाले तो बहुत आ रहे होंगे। अरे सब लोग सब। अच्छा ये भाई साहब जा रहे हैं, लेकिन मैं आप दो तीन लोगों से और थोड़े सवाल लेता हूँ। आप आइए इधर, आइए आप आइए इधर, आखिरी बात कहकर फिर आप अपना चंद्रशेखर जी को कोट कर रहा हूँ, वो ये कहते थे तिकड़म करके आप सत्ता में तो आ सकते हैं लेकिन राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, जो तिकड़मों से करके आने में सत्ता में वो देश नहीं बना सकते। जब आप शुद्ध जनता आपको बैठाएगी ना शुद्ध मन से, तब आप देश बना। तो आज आप पूंजीपतियों के पैसे के सहारे से जनता को छल के सत्ता में आ भी गए तो देश नहीं बना सकते। चले ठीक है, आपकी मोदी से नाराजगी है, तो आज की डेट में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? सबसे अच्छा जो मोदी को हरा रहा हो वही हमारे लिए सबसे अच्छा नहीं। कौन हरा रहा है? जहाँ जहाँ जो भी हरा रहा है, जैसे राहुल अखिलेश एक साथ आ गए, बहुत अच्छा। राहुल बंगाल में ममता बनर्जी हैं, सब लोग बैठे हुए आपके, जयंत चौधरी चौधरी साहब तो मोदी जी के साथ ही आ गए, जयंत चौधरी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना। हम चौधरी साहब के साथ भी हमने राजनीति की, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँगा।
यदि चौधरी साहब की पुस्तकों को पढ़ लेते तो शायद इन लोगों की गोद में जाके ना बैठे। बस उनका सौभाग्य ये है कि वो चौधरी चरण सिंह के पोते है ना जी। चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा थे, व्यक्ति नहीं थे। उनकी विचारधारा क्या थी, किसानों के बारे में क्या था, जयंती जी ने शायद उनको पढ़ा नहीं। यदि वो पढ़ लेते तो उनकी लोगों की गोद में जाके बैठे। शर्म आती है, एक साल तक किसान प्रधानमंत्री से 10 किलोमीटर दूर बैठा रहा, एक साल सर्दी गर्मी बरसात। इतना संवेदनहीन आदमी, और जिस व्यक्ति में सत्तासीन में संवेदना नहीं है समाज के प्रति, जनता के प्रति, और वो हमारा शासक, वो दुर्भाग्य इस देश का और इस समाज का। मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ आपको, मैं बच्चा ही था तो आपको नेहरू जी 10 साल में कुछ उपलब्धि नहीं लगती क्या जी? देखिए कोई भी सरकार हो, अब आप ऐसे तो हम नहीं कह सकते नहीं कोई उपलब्धि ही नहीं है, है ना जी, उपलब्धियाँ हैं। लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में जो आम आदमी है जिसकी जरूरत सबसे पहले है वो नहीं, गरीबी अमीरी का अंतर बढ़ता जा रहा है। मैं आपकी जेब में 20 रुपये हो तो मेरी जेब में 1 रुपया तो हो, अब मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है और आप लाखों लिए बैठे, कैसे चलेगा जीवन? हम गांव के लोग हैं, हमें पता, बेरोजगार हर घर में भरे पड़े हैं लड़के हमारे, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। और मैं योगी जी के भी खिलाफ हूँ इस मामले में। कांवड़ सहारा नहीं है, कांवड़ से 3 दिन आनंद आ सकता। वो तो कहते हैं कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू, आप ही तय कर लो। कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू नहीं, वो कहते हैं योगी बाबा कांवड़ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें नौजवान की जेब में पैसा चाहिए खर्चे को, जो अपनी बीवी का खर्चा उठा सके, अपनी बहन की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। कांवड़ का 3 दिन का आनंद हमारा जीवन नहीं चला सकता। मैं योगी जी के इस वक्तव्य के खिलाफ हूँ। कांवड़ को कर्फ्यू से जोड़ते हैं, आप कांवड़ को रोजगार से जोड़िए। राजपूत सेना, कड़ी सेना, राजपूत समाज, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सेना जो राजपूत समाज के लोग हैं, समाज है पहला द्वार, जो पश्चिम से, जो पश्चिम का पहला द्वार है, पश्चिम यूपी का पहला द्वार है, पहला चरण था, उस पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 6 चक्रव्यूह रह गए, तो उन्हें कैसे तोड़ने वाले हैं बीजेपी के खिलाफ? कैसे क्या, जैसे पहला टूटेगा वैसे दूसरा टूटेगा अभी, लेकिन पत्ते सिर्फ 3 सीटों पर खुले हैं 8 में से, तो ऐसे भी कुछ नहीं, कोई शंका है क्या? सीट बार आप कह तो रहे हैं, आपने साफ साफ कहा है कि भाई जहाँ जो हरा रहा होगा उसे वोट देंगे। राजपूत ने गुलामी छोड़ दी भाई, हमने, हमारी गलती ये थी कि हमने समर्थन के नाम पे समर्पण कर दिया, तो हमने समर्पण कर दिया तो हमने अपनी औकात देख ली। लेकिन हमारी औकात ये नहीं है, हम ये साबित कर रहे हैं कि हमारी औकात ये नहीं है। हम हरा देंगे, अपनी हैसियत बता देंगे। यहाँ 3 की बात हमने हर जगह कह दिया है कि साहब जहाँ जहाँ बीजेपी को जो जो हराएगा, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है, यहाँ मुलायम सिंह जी के राज में 1 महीने हम जेल रहे थे, रिलायंस एनर्जी दादरी पावर प्रोजेक्ट, जब मुलायम सिंह जी के बगल में बैठते थे अंबानी तो विकास पुरुष थे, आज मोदी जी के बगल में विनाश पुरुष हो गए। तो पार्टियों की लड़ाई है, किसान तो तब भी लूट रहा था, किसान अब भी लूट रहा है, तो हम तो गुण दोष के आधार पर करेंगे। अब हम किसी का बंध के नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ ये मेरिट पर करेंगे, हम और क्षेत्रवार करेंगे, सीटवार करेंगे। हम ये कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रवार व्यक्तिवार करेंगे। अक्सर राजपूत समाज की अगर बात आती है, राजा महाराजाओं की बात आती है, तो राजस्थान, आप अगर, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, गए होंगे राजस्थान में, किले देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, राजस्थान के भाई साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किया गया और जिस तरीके से भजनलाल शर्मा आए, तो पिछले कुछ वक्त से मैंने उनकी रैली देखी तो वहाँ पर नारे लगवाए जा रहे थे, अरे भगवान भोले बाबा की कसम है कहीं मत जाइए, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, कि भाई भीड़ क्योंकि कम थी, भीड़ जा रही थी वहाँ तो नारे लगवाए जा रहे थे। तो क्या लग रहा है राजस्थान की 25 सीटों पर? नहीं, वही बात कह रहे हैं ना कि घोड़ा बता के गधी से शादी करवा दी तो कौन घोड़ा है कौन गधी है ये सब आपको समझना पड़ेगा, भाई साहब ने इशारा कर दिया है। वही बात है, सब जगह यही हुआ है, वोट हमने बीजेपी को दिए और आ और कोई गया है, वही तो, वो भी तो बीजेपी के ही है, अचानक पीछे की पंक्ति से उठा कर लाए, बोला है कि बीजेपी में कोई भी कुछ भी बन सकता है। नहीं नहीं, कुछ भी तो बन सकता है वो सही है, लेकिन क्या है कि भाई सिस्टम एक सही चल रहा है, बना तो इनको रहे हैं लेकिन लगाम जनता के हाथ में नहीं है,
भाई जनता ने अगर राजस्थान की सरकार बनाई है, सीएम पकड़ रहा है, तो लगाम तो जनता के हाथ में रहनी चाहिए ना। ये लगाम तो दिल्ली चली गई, लगाम तो उद्योगपति के हाथ में चली गई, तो खतरा वो है। तो घोड़े पे कोई बैठता है तो लगाम जब तक उसके हाथ में है तो उसके कंट्रोल में है। लगाम आप दूसरे को दे दो, वो घोड़ा कभी भी दुलत्ती मार के आपको पटक देगा। इन भाई साहब से अगला सवाल करूँ, लेकिन मुझे अचानक एक मन में ऐसी सवाल आ गई, शायद आज की पीढ़ी ना जानती हो। आपने शुरुआत से सियासत भी देखी है, राजनेता भी देखे हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक मोदी शाह के युग की पार्टी कहा जाता है, इससे पहले आपने आडवाणी और अटल जी के युग की भी देखी है, क्या फर्क लग रहा है संगठन में, जमीनी पकड़ में, या प्रचार में, या सरकार शासन प्रशासन में? नहीं, सारा ही फर्क है। ये दो ही तो इन्होंने एकदम से झूठ का बोलबाला कर दिया। 2014 से पहले ऐसा नहीं था। जो कमिटमेंट था अटल जी ये करते थे, आडवाणी जी का उस दौर में, जो भी हमारे और नेता थे, तो उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। और संगठन की महत्ता थी। आज तो संगठन बिल्कुल फर्जी है। वो संगठन में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इन्होंने निजी नौकरों की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा। तो वो तो ये कहते हैं कि दरी बिछाने वाला भी भाई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, दरी बिछाने वाला मुख्यमंत्री और तमाम, ये सिर्फ झूठ है। आज दरी बिछाने वाला दरी बिछा रहा है। और एक बात बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, सिर्फ 18% टिकट मिले हैं पूरे देश में, और जो 82% टिकट हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से लाए, दूसरे दलों से लूट लूट के लाए, वो नहीं अच्छे लोग जो बाकायदा इसके वॉशिंग मशीन, हाँ वॉशिंग, जो पैसा अपना जिन्होंने कमाया, तो चाहे कांग्रेस में कमाया चाहे सपा में या दूसरी पार्टी में, 82% टिकट उन लोगों को दिए गए हैं। मोदी जी तो कहते हैं भ्रष्टाचारी बच ही नहीं सकता है, ना छोड़ेंगे ना कुछ। अब कोई देश में भ्रष्टाचारी नहीं है, अब सारे भ्रष्टाचारी एक ही जगह इकट्ठे हो गए। तो ये स्थिति इन्होंने सर, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। हाँ बिल्कुल सत्य की बात, बिल्कुल सत्य। मोदी जी कह रहे हैं कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आपने बहुत सुना होगा, बोल रहे हैं अरे हमने ऐसा काम किया था तभी तो आपको पता चल पाया है। तो विपक्ष कह रहा है कि आपने तो रोकने की बहुत कोशिश की थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा ही चला दिया। भाई आप देखिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। भाई सुप्रीम कोर्ट में आपका सरकारी वकील क्यों कह रहा है कि जून में साहब हम लिस्ट दे देंगे? क्यों कहा? जब कोर्ट कह रही है कि भाई लिस्ट जारी करो तो लीजिए सर। जब कोर्ट ने बिल्कुल जून में नहीं कहा, अभी समय नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। क्यों? कि भाई चुनाव अपना संपन्न हो जाता है, लोग अंधेरे में रहते हैं, ये साजिश हो रही है ना देश के साथ। अब कोर्ट जब मांग रही जब आप दे देते, लेकिन जब कोर्ट ने डंडा किया तब वो लिस्ट आ गई। कि फिर कैसे आ गई? दो दिन में तैयार होगी, तुरंत आ गई। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी उपलब्धियां वो बताते हैं, 100 में से कितने नंबर देंगे? ये दिखाया कुछ और जा रहा है, और सच्चाई छिपाया क्या जा रहा है? नहीं, दिखाया जो दिखाया जा रहा है कि हम किसानों को आज दुगनी कर देंगे। हम लोग किसानी की खेती भी करवाते हैं, उन चीज़ों को हम देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और महापुरुषों का जितना अपमान योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, क्या इतना बड़ा हंगामा देश में हो रहा है? क्या मोदी जी अमित शाह जी तक आवाज़ नहीं जा रही? गुजरात के अंदर हंगामा हो रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी जिन मुगलों से हमारे युद्ध हजारों वर्षों तक चलते रहे, कभी किसी मुगल ने भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया, किसी मुस्लिम नेता ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अखिल भारतीय छत्र महासभा भारत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, बीटेक एमटेक हूँ, भारत सरकार में अधिकारी रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि ये प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है। ये करवाया जा रहा है जिससे और राजपूत भड़के और जो और दूसरी जातियाँ हैं वो भाजपा की तरफ बढ़े, ये सब एक अच्छा। इसके पीछे आप वो बीजेपी वाले कह रहे हैं तो कांग्रेस की साजिश है, आप कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है? साजिश नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से भाजपा वाले ही ये लोग करा रहे हैं, और भाजपा को कुछ ही लोगों द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। यही लड़ाई शुरू हो गई है, राजपूत जाति दबने वाली जाति नहीं है, हम लोग सब विरोध में आ गए और इस बार डट के विरोध करेंगे, और लड़ाई चुनाव के बाद भी हमारी जारी रहेगी। तो सुना आपने, राजपूत समाज के लोग जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, अब उसको लेकर भी दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये कांग्रेस की साजिश है, पर अब राजपूत समाज के ही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही जानबूझकर समाज के बीच खाई पैदा करने का काम कर रही है, बीजेपी ही लोगों को धर्म की जगह अब धर्म के साथ साथ अब जातियों में भी बांटने का काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ इन्होंने जो अपनी बातें थीं वो बुलंदी के साथ रखीं, अपनी जो समस्या थी वो बताई, अपनी जो मांगें थीं वो सामने रखीं, और अपना जो आय का प्लान था, रणनीति थी, वो भी साझा की कुछ जगहों को लेकर।
अब इन लोगों ने आह्वान कर दिया है कि अब पूरे देश में जो 400 पार का नारा है बीजेपी का, उसे पूरा नहीं होने देंगे। हालांकि तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी कि क्या होता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, हापुड़ धौलाना, नमस्कार।